हल्द्वानी में आगामी 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। रैली को भव्य बनाने के उद्देश्य से रैली स्थल का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसके लिए आज नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत सहित भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित प्रशासनिक टीम ने एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड, मिनी स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और केसर शुगर फार्म का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने बताया कि हल्द्वानी में आगामी 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली होगी। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में कई हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी, लिहाजा लाखों लोगों की रैली के लिए रैली स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द रैली स्थल में तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही पूरे कुमाऊं मंडल में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस ऐतिहासिक रैली में लाखों लोग प्रतिभाग करेंगे। चौबीस तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर हल्द्वानी में आने का कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम हो, बढ़िया कार्यक्रम हो, उसी की तैयारी के लिए आज हम आए हैं। कौन सा स्थान ठीक है, कहाँ पर रैली करनी है, वो सारी चीज़ आज तय करनी है हम लोगों ने। और भारी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे, लाखों की संख्या में। हमारे कुमाऊं मंडल की रैली है, उसी की तैयारी के लिए हम आए। और कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी, जो हमारी कुमाऊं में बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उसका भी कार्यक्रम यहाँ पर होगा। सर, आप स्टेडियम गए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी आए हैं, क्या कहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, तय करेंगे? अभी तक हमने 3-4 स्थान देखे हैं, इसमें तय करेंगे थोड़ी देर में किस स्थान पर कार्यक्रम करना है। धन्यवाद। किस तरह का कार्यक्रम? माननीय प्रधानमंत्री जी की 24 तारीख की प्रस्तावित रैली को लेकर के आज अनेक स्थानों को देखा है। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी आज आए हुए हैं, हमारे महामंत्री संगठन भी आए हुए हैं। अभी हमने स्थल देखे हैं, अभी उनके साथ बैठ करके तय करेंगे कि कहाँ ये सभा करनी उचित रहेगी। और मैं मानता हूँ जहाँ भी सभा होगी, मोदी जी आज देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और ये सभा एक तरह से कुमाऊँ की एक रिकॉर्ड टूट सभा होगी और हजारों की संख्या में इस सभा में लोग आएंगे। हल्द्वानी में कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, अब ये सत्ता में नहीं आएगी। वह कोई रथ यात्रा निकाले या कोई भी कार्यक्रम करें, जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मन बना लिया है, लिहाजा किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं करेगी और जनता कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहती है। वहीं 16 दिसंबर को राहुल गांधी की देहरादून में होने वाली रैली को ऐतिहासिक रैली करार देते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि देहरादून में आयोजित होने वाली रैली में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी जनता की आवाज बनकर लाखों लोगों की ऐतिहासिक रैली को संबोधित करेंगे। ये जो आज लगातार जो देहरादून में रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी प्रतिभाग करेंगे, उसमें निश्चित रूप से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो 1917 में जो पाकिस्तान का विभाजन करने में हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी की जो एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, और उस विभाजन के दौरान जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जो जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको स्मरण तो करेंगे ही, उनके परिवार के परिजनों को हम सम्मानित भी करेंगे। और जो वीर आज भी मौजूद हैं 1970 के वार में जिनका योगदान रहा है, जो आज भी मौजूद हैं वीर सैनिक, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और कोशिश होगी कि यह रैली महारैली का रूप लेगी और यह रैली 2022 के चुनाव के भविष्य को भी तय करेगी। हल्द्वानी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी ने आगामी 16 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित राहुल गांधी की रैली की तैयारियों के संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ बैठक करते हुए मीडिया से बात। कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कहा कि आगामी देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली ऐतिहासिक रैली होगी। इस रैली में पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। 16 दिसंबर विजय दिवस है, लिहाजा कांग्रेस ने रैली सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित की है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सैनिकों की शहादत पर राजनीति नहीं करते, हम उन्हें दिल से सम्मान करते हैं।
हल्द्वानी में आयोजित इस बैठक में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ललित जोशी सहित कांग्रेस के सभी दावेदार एकजुट दिखाई दिए, जिन्होंने एकजुटता का संदेश देते हुए विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने की बात कही। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को बड़ी संख्या में कुमाऊं से कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली में प्रतिभाग करेंगे। ऐसा है कि 16 तारीख को विजय दिवस है और विजय दिवस के दिन एक हम अपने सैनिकों के सम्मान में इस रैली को समर्पित कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी करेंगे। आज ये हल्द्वानी के अंदर हमारे जितने लोग जो हमारे हैं, हिमंदा हैं, शशि दीदी हैं, हमारे आदरणीय हमारी आंटी हैं, बिस्ट आंटी हैं, नेगी जी हैं, हमारे कुमदा हैं, माला जी, सब हम सब लोग आज इस हल्द्वानी से भले ही प्रत्याशी हैं अपनी अपनी जगह शहर के, लेकिन हम सब लोग एक सामूहिक नेतृत्व में इस रैली में प्रतिभाग करने जा रहे हैं, जिसमें अपनी अपनी तरह से सबने अपना समर्थन दिया है और अपने अपनी तरह से लोगों को ये अपने अपने संसाधनों से ले भी जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ किस तरह की पुकार है? हाँ, इस रैली का एक और बहुत दूसरा बड़ा पहलू है। आप, ये रैली ऐतिहासिक होगी, मोदी जी की रैली से दुगनी होगी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस रैली का जो प्रतिभाग कर रहा है वो आम आदमी आ रहा है, वो आम आदमी आ रहा है जो महंगाई से त्रस्त है, जो विशेष तौर पर युवा आ रहा है, जो युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। इसलिए ये रैली कई मामलों में खास होने जा रही है, क्योंकि इस रैली में सरकारी तंत्र से जबरन भरकर लाए हुए लोग नहीं आ रहे हैं। इस रैली में स्वेच्छा से लोग प्रतिभाग करने जा रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा जो स्वेच्छा जब जहाँ प्रतिभाग होता है वहाँ पर विरोध का प्रकटीकरण होता है सरकार के खिलाफ।